हेलो और नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप में से कई लोगों को क्वेरी थी वेदांता ट्रांसफॉर्मिंग एलिमेंट, वेदांता कंपनी के बारे में कि वेदांता ने जो बायबैक ऑफर किया है 8750 पे, अब मैं क्या करूं। आप में से कई लोगों के पास ऑलरेडी शेयर्स है और वेदांता ने तो अप्लाई किया कि भाई हमें डिलिस्ट होना है, राइट। अब ये उन्होंने एक जाहिर की है उनकी इच्छा कि भी हमें डिलिस्ट होना है। ऐसा नहीं है कि वो तुरंत डिलिस्ट हो जाएंगे, अभी तो एक प्रोसेस पूरी होगी, लेकिन इस डिलिस्ट से क्या। अब मैंने आप लोगों के कमेंट पढ़े, देखो मेरे को नहीं तो कोई इंटरेस्ट नहीं था वेदांता पे या ये सेक्टर रिलेटेड कोई भी इंडस्ट्री व्यू या कंपनी व्यू देने का, क्योंकि हम लोग जनरली ग्रोइंग इंडस्ट्रीज पे काम करते हैं, राइट। माइनिंग ये प्राइमरी इंडस्ट्री मानी जाती है, बढ़िया कंपनियां हैं यहाँ पे भी, लेकिन इनमें इतना ग्रोथ नहीं होता है जितना बाकी की ग्रोइंग इंडस्ट्री में होता है। लेकिन हालांकि आप में से कई लोगों के पास कंपनी के शेयर्स है, अब शेयर्स है या मैंने वो भी कमेंट पढ़े कि भी आपने बोला कि भी मैं तो अभी लास्ट वीक की खरीदे है, तो अब मेरा क्या होगा। अब तो ये कंपनी डिलिस्ट हो जाएगी, मैं क्या करूं, क्या बायबैक दे दूं, नहीं दिया तो क्या। कई सवाल के घेरे में होंगे और कई लोगों को ये भी लगता होगा कि अपनी हालत कैसी हो गई है। अभी हफ्ते पहले तो शेयर लिए, घर आए और पता चला कि भाई ये ऑफर कर रहे लो, वापस दे दो मेरे को शेयर 8750 में, तो कैसी हालत हो गई। वो फिल्म याद आती है शोले की, कालिया जैसी, जो गब्बर को कहता है सरदार मैंने आपका नमक खाया है, हम कहते हैं सरकार हमने आपके शेयर लिए है, सरदार बोलता है अब गोली खा। वेदांता ने बोला आप बायबैक दे दे मेरे को। अब ये क्या ये गोली है कि इससे कोई फायदा है, अब मेरा क्या होगा, ये जानने के लिए कुछ वेदांता के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। दोस्तों, वेदांता यानी अनिल अग्रवाल जी की कंपनी, जिनके लिए सही में मुझे बहुत आदर बहुत रिस्पेक्ट है, अनिल अग्रवाल जी जिनका 100% स्टेक है वॉल्केन इन्वेस्टमेंट में। ये एक प्राउड इंडिया के एंटरप्रेनर है जो बरसों पहले कुछ भी नहीं थे और आज बहुत कुछ है। हाल ही में इन्होंने एक अमेरिकन एंग्लो अमेरिकन कंपनी में निवेश किया है और वो कंपनी के सबसे बड़े स्टेक होल्डर हुए हैं, जस्ट रिसेंटली ये तो बात है, पर 100% अनिल अग्रवाल जी का स्टेक है वॉल्केन इन्वेस्टमेंट में है। और ये जो सारी कंपनियां हम देख रहे हैं, सेसा गोवा, स्टरलाइट इंडस्ट्री, ये सारी वेदांता रिसोर्सेज में आती है और वेदांता रिसोर्सेज वॉल्केन का एक पार्ट है। तो दोस्तों, अनिल अग्रवाल जी पटना से बिलोंग करते हैं, 19 साल की उम्र में तब तक पढ़ाई कर रहे थे, फिर उनके पापा के कारोबार में लगे। 19 साल की उम्र में स्वप्नों की नगरी बॉम्बे में आए, वो भी अपने ड्रीम पूरे करने के लिए, और 19 साल की उम्र से उन्होंने बिजनेस की शुरुआत की। 19 यानी एक बड़ी उम्र नहीं थी, पर उस समय उन्होंने क्या स्टार्ट किया, 1970 में वो स्क्रैप मेटल बेचा करते थे। केबल कंपनी सराउंडिंग स्टेट्स जो थे महाराष्ट्र के आजू बाजू के स्टेट से केबल कंपनियों से केबल खरीदते और बॉम्बे में उसे बेचते, ये था इनका धंधा। अपॉर्चुनिटी एक मिली, एक शमशेर स्टर्लिंग कॉरपोरेशन विक कंपनी जिसे खरीदने का मौका मिला, पैसे थे नहीं, बैंक लोन ली और उन्होंने उसे खरीदा, जो आज भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में मानी जाती है एल्यूमिनियम की, स्टरलाइट इंडस्ट्री। स्टरलाइट इंडस्ट्री आप जानते होंगे, ये ऐसी इन्होंने कैसी कंपनी बनाई कि जो एक समय पे बेचने के लिए आई थी और आज वही स्टरलाइट निफ्टी 50 में थी, राइट। कुछ समय पहले इट वॉज इन निफ्टी 50। तो एक चीज तो है, अग्रवाल जी का हाथ जहां लगता है वो धंधे अपने आप दौड़ने लगते हैं, माहिर है बिजनेस करने में, इससे हमें दो राय नहीं होनी चाहिए। फिर मौका मिला मद्रास एल्यूमिनियम, अगेन अक्सी कंपनी जो 4 साल से बंद पड़ी हुई थी वो बेचने को आई, वो खरीदी। तो धीमे धीमे ऑर्गेनाइज
ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ग्रोथ करने का इन्होंने स्टार्ट किया। सबसे बड़ा मौका दोस्तों इन्हें मिला जब इन एफिशिएंट और स्लीपी कंपनी जो मानी जाती थी, सोई हुई कंपनियां बालको और हिंदुस्तान जिंक, जो अच्छा प्रॉफिट नहीं करती थी, इन एफिशिएंट थी, ऐसा सरकार का मानना था। तो जो डीरेगुलेशन हुआ उनका सबसे बड़ा लाभ मैं मानूंगा अग्रवाल जी को भी हुआ, क्योंकि डीरेगुलेशन में जब गवर्नमेंट की कुछ कंपनियां बेचने को निकाली उसमें ये स्लीपी इन एफिशिएंट कंपनीज हिंदुस्तान जिंक और बालको में भी बड़ा हिस्सा, बड़ा यानी 50% और 65% हिस्सा अनिल अग्रवाल जी ने खरीदा। अब वही इनएफिशिएंट और स्लीपी कंपनियां आप देख सकते हो आज वही हिंदुस्तान जिंक भारत की ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी जिंक कंपनी बन चुकी है, जो साल में 8,000 करोड़ का प्रॉफिट करती है। इसे कहते हैं इनएफिशिएंट कंपनी, राइट। इसीलिए सरकार को बिजनेस नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से अब तक आप जान चुके होंगे कि अग्रवाल जी जो भी बिजनेस को लेते हैं उसे कैसा करते हैं। उन्होंने दोस्तों वेदांता क्रिएट की, क्रिएटेड वेदांता। दोस्तों ये पहली इंडियन फर्म थी जो लंदन के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई 2003 में। उन्होंने इसे इंटरनेशनल बिजनेस ले जाने के लिए लंदन में हेडक्वार्टर बनाया और 2003 में ये लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुई। फिर नंबर लगा सेसा गोवा, लार्जेस्ट आयरन ओर कंपनी जो इन्होंने ली। केन इंडिया में सबसे बड़ा हिस्सा, केन इंडिया लार्जेस्ट प्राइवेट ऑयल प्रोड्यूसिंग फर्म। और इन सब को मिला के ये आगे बढ़ते गए और करीबन मेरे ख्याल से, मेरा पक्का नहीं है, पर 2008 से 12 के बीच में अनिल अग्रवाल जी इंडिया के टॉप रिचेस्ट बिजनेसमैन में आ चुके थे। फिर दुनिया भर में मंदी की शुरुआत हुई थी, आप जानते ही हो वो टाइम पे। 2012 में इन सबको कंबाइन करना पड़ा क्योंकि ग्रोथ नहीं आ रहा था इतना, हर जगह से मंदी का लहर था। इन्होंने 2012 में कंबाइन किया जिससे फाइनेंशियल स्टेटस बरकरार रहे। एक टाइम था जब स्टरलाइट इनकी निफ्टी 50 में, सेसा गोवा टॉप में, केन इंडिया निफ्टी में, तो इनकी सारी कंपनियां जो निफ्टी में थी पर वो धीमे धीमे निकल जाती। इन्होंने कंबाइन करके वेदांता बनाई और वेदांता आज भी अभी तक निफ्टी में है। तो ये है दोस्तों इनकी कहानी। बढ़िया कंपनी का इन्होंने एकदम जीरो से कंपनियों को लेके, इनकी काबिलियत से इन्होंने कंपनियों को कहां से कहां पहुंचाया है और एक बड़े एंटरप्रेनर के रूप में ये बाहर आए। दोस्तों वेदांता एक ग्लोबली डाइवर्सिफाइड नेचुरल रिसोर्सेज की एक बड़ी कंपनी है जिनका इंटरेस्ट जिंक, लीड, सिल्वर में है, ऑयल एंड गैस केन इंडिया के रूप में, अल्यूमिनियम, पावर, आयरन ओर, स्टील, कॉपर, ये सारे अलग अलग धंधों में ये लोग बढ़िया आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों भारत में ऐसी बहुत कंपनियां नहीं है जिनके लाख करोड़ के धंधे होते हैं, जिनके 10,000 करोड़ के प्रॉफिट है। कुछ लिमिटेड कंपनियां इंडिया में है। दोस्तों वेदांता करीबन 92,000 करोड़ का उनका पिछले साल का धंधा था, दिख रहा है ना आपको। लास्ट ईयर इन्होंने 90,000 करोड़ किया और इस साल इसके करीबी होगा, तो ये 4-5 साल में लाख करोड़ तो पहुंच जाएंगे। लाख करोड़ की एक कंपनी, 10,000 करोड़ के करीब का ये प्रॉफिट करते हैं, 66,000 करोड़ की डेब्ट है, लेकिन उतना ही इनके पास रिजर्व भी है। तो जितना रिजर्व उतनी डेब्ट, एक तरीके से हम बोले कि 66,000 करोड़ का डेब्ट बहुत ज्यादा है, तो सवाल ही नहीं है, ज्यादा डेब्ट है ये, लेकिन उसके सामने रिजर्व भी उतना कंपनी के पास है। खास चीज ये है जानने लायक कि मेरे हिस्से में क्या आता है। दोस्तों अर्निंग पर शेयर पिछले साल का 18.50 रुपया था। यहां पे मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहूंगा। आप में से बहुत लोगों ने YouTube वीडियो पे क्वेरी की हुई है कि पीयूष भाई BSE की साइट पे तो ये कुछ अलग EPS बताता है, राइट। तो एक चीज याद रखे, पहला ये जो EPS बता रहा है ये स्टैंड अलोन EPS बता रहा है, और दूसरा ये 12 महीने का TTM है, ट्रेलिंग EPS। देखो यहां इन्फो पे क्लिक करो तो सब लिख के आ जाएगा, है ना, कि ये जो फॉर्मूला ये लोग यूज कर रहे वो 12 महीने का ट्रेल ईपीएस आपको दिखा रहे हैं, तो आपके और इनके फिगर थोड़े तो फर्क आएंगे इधर, राइट। और एक जगह पे
लोगों को जो क्वेरी है वो भी मैं यहां पे क्लियर करना चाहूंगा आरओई की, राइट। कुछ देर बाद ईपीएस जो मैं आपको कह रहा हूं, जो मैंने आपको बताया, देखिए अगर आपको टैली करना है तो मैंने इनके रिजल्ट भी यहां पे खोल के रखे, दीज आर कॉन्सोलिडेटेड रिजल्ट दोस्तों, सिर्फ वेदांता जैसी कंपनी के कॉन्सोलिडेटेड रिजल्ट देखने चाहिए। अब आप ये बीएससी वाला 9.67 का ईपीएस देखोगे या कोई और अलग साइट पे भी ईपीएस देखोगे तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि वेदांता एक कंपनी नहीं है, ये एक ग्रुप है। देखिए, ओ सॉरी, इधर वेदांता यानी क्या, बालको, कॉपर माइंस, फुजारा, हिंदुस्तान जिंक, मोंटेसेलो, सेसार रिसोर्सेज, मालको, अब लाइन लगी है इनकी तो कंपनी की। ये है वो अग्रवाल जी, कितनी कंपनियां, ऑलमोस्ट 52 कंपनीज, दो ये एसोसिएट कंपनी है और कुछ ज्वाइंटली कंट्रोल्ड एंटिटीज है। तो इतनी सारी कंपनियों का मिलके रिजल्ट आता है तो आपका आप डायरेक्ट बेसिक जो ईपीएस आप देखते हो उससे काम नहीं बनेगा। कॉन्सोलिडेटेड ईपीएस इनका देखना है, मैं थोड़ा बड़ा करूं ताकि आपको नहीं मजा आएगा, चलो यही रहने देते हैं। देखिए पिछले साल का टर्नओवर, टोटल इनकम थी 96,000 करोड़, राइट। अब ये तो टैक्सेशन के साथ थी, ऑलमोस्ट 91,000 करोड़ का टर्नओवर हमें गिनना चाहिए। अब 91,000 करोड़ का पिछले साल का टर्नओवर, इन्होंने इंटरेस्ट भी करीबन 6,000 करोड़ भरा था। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कंपनी के सर पे कुछ 66,000 करोड़ का डेब्ट है। कंपनी ने पिछले साल प्रॉफिट कुछ ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ का किया है, वो ये सारी कंपनियों का मिला के। अब देखो कुछ कंपनी में जैसे हिंदुस्तान जिंक में इनका 50% होल्डिंग होगा, तो हिंदुस्तान जिंक 8,000 करोड़ का प्रॉफिट करती है तो यहां पे 4,000 करोड़ गिना जाएगा, ऐसे इनकी गिनती होती है, राइट। तो आपकी ये जो कंपनी है ये 10,000 करोड़ का तो प्रॉफिट कर रही है और ये उनका ईपीएस है 19.07, पिछले साल का बेसिक डाइल्यूटेड 18.98, राइट। सो दिस इज योर ईपीएस। मैं आपकी एक और क्वेरी क्लियर कर देता हूं आरओई की, दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी यानी अकाउंटिंग मेथड में अगर हम देखें तो टोटल कंपनी की इक्विटी कितनी है। अब इक्विटी सही में कंपनी की 372 करोड़ है, देख रहे हो आप लोग, 372 करोड़ की इक्विटी पे ये कंपनी प्रॉफिट करती है 10,000 करोड़। इक्विटी यानी स्टेक होल्डर्स का निवेश, कितने रुपए स्टेक होल्डर के लगे हैं वेदांता में। तो मैं ये मानूंगा कि टोटल स्टेक होल्डर के 372 करोड़ लगे हैं और ये कंपनी 10,000 करोड़ का प्रॉफिट करती है तो आप गिन सकते हो यहां पे 9698 डिवाइड बाय 372। कंपनी अपने निवेश से 26 गुना ज्यादा प्रॉफिट करती है एक निवेशक के हिसाब से। देखो मैं एक निवेशक हूं, मुझे कोई सीए बन के मुझे कुछ अकाउंटिंग नहीं करना है इस कंपनी का, मेरे को यह देखना है कि एज अ इन्वेस्टर जो पुराने निवेशकों ने निवेश किया उनको कितना मिल रहा है। तो वो लोग 26 गुना अपने निवेश पे कमा रहे हैं। तो अग्रवाल जी ने खुद ने नहीं, उनके साथ जो पुराने निवेशक एसोसिएट हेड, 26 गुना वो साल का प्रॉफिट कर रहे हैं। लेट मी रिपीट, 26 गुना हर साल प्रॉफिट पा रहे। तो हम तो यहां पे 20-25% मार्क पाके खुश हो जाते हैं, बेचने लगते हैं कि भाई भागो कहीं गिर गया तो शेयर। ये होता है वेल्थ, एक बार निवेश किया और साल के 26 गुना कमा रहे। अब आपके अकाउंटिंग मेथड में जो आरओई गिना जाता है वो ये नहीं है दोस्तों। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी जब गिनते हैं तो टोटल इक्विटी गिनते हैं। अब टोटल इक्विटी यानी हर साल ये जो 9-10 हजार करोड़ का प्रॉफिट करते करते कंपनी के पास रिजर्व जो इकट्ठा हुआ है वो 62 करोड़ है, 62,000 करोड़। तो हम ये जानना चाहते हैं कि टोटल इक्विटी पे कितना प्रॉफिट करती है। तो 62,000 करोड़ की इक्विटी पे आपका प्रॉफिट 10,000 करोड़ का है तो ये कुछ 15-16% का हुआ, बराबर है। आपको साइट पे जो दिखेगा ये अगेन ट्रेल है, राइट। तो आप जब अकाउंटिंग मेथड पे जाते हो तो आरओई हमेशा आपको अलग अलग वेबसाइट पे अलग आएगा। दूसरा, यहां पे गिना होगा इन्होंने नेट प्रॉफिट ऑफ स्टैंड अलोन के हिसाब से, बराबर है। हमें कॉन्सोलिडेटेड ध्यान में रखना है। तो आरओई आपका बीएससी का या कोई भी और वेबसाइट का और आप जो मेथड निवेशक की गिनते हो उससे मैच नहीं होगा। वी आर इन्वेस्टर यार,
हम कोई अकाउंट नहीं करने बैठे इन लोगों का कि जो मैं जानूं। देखो अकाउंटिंग मेथड में डेप्ट टू इक्विटी रेशियो बहुत देखते हैं कि भाई कंपनी पे डेप्ट कितनी है, तो मैंने बोला 62,000 करोड़ है। अब कंपनी के रिजर्व में भी 62,000 करोड़ पड़े हैं तो खुश हो गए, अरे यार ये तो जितना डेप्ट है उतना ही तो इक्विटी है, तो कोई बड़ी डेप्ट नहीं है। लेकिन असल में हम एज अ इन्वेस्टर जब देखेंगे तो हमारी जेब से तो ये 10,000 करोड़ हर 6,000 करोड़ तो हर साल के निकल जाते हैं कि नहीं, तो ये हमें नुकसान करता है। तो एज अ इन्वेस्टर मुझे जानना है कि भाई तुमने जितना धंधा किया उसमें से खर्चा निकालने के बाद जो बचता है वो ये इंटरेस्ट देने के लिए प्रॉपर है कि नहीं है। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि 96 में से 82,000 निकल गया, 12,000 करोड़ बचा, उसमें से 5,000 करोड़ इन्हें फाइनेंस पे करना है, तो ये कर पाएंगे। पर ये बड़ा फाइनेंस है, 62,000 करोड़ यानी कम लोन नहीं है। इसीलिए दोस्तों हम लोग डेप्ट टू इक्विटी नहीं देखते हैं, हम लोग इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसे क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो चेक करते हैं। राइट, सो लेट मी मूव अगेन। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों, इन्होंने डिविडेंड पिछले साल दिया 19 रुपए का ऑलमोस्ट डिविडेंड पर शेयर। आप ईपीएस देखो कितना है, 19 रुपया। उसके पहले साल इन्होंने 21 रुपया डिविडेंड दिया, तब भी ईपीएस 21 था। 2017 में इन्होंने 19 रुपया 45 पैसा डिविडेंड दिया, तब भी ईपीएस कितना था इनका, 24.70। यानी एक चीज क्लियर है, वेदांता अभी रिजर्व में ज्यादा इनफ्लो नहीं ला रही है। वो जितना कमा रहे पूरे के पूरा डिविडेंड में 90% तो बांट ही देते हैं। राइट, तो मेजर पोर्शन डिविडेंड में चला जाता है अभी डिविडेंड का। ये एक खास बात है दोस्तों, क्योंकि 19 रुपए में से 19 रुपए डिविडेंड मिला। अब अगर 51% स्टेक अभी प्रमोटर का है तो आप जान सकते हो 9,000-10,000 करोड़ में से 5,000 करोड़ तो डिविडेंड टैक्स फ्री प्रमोटर को मिल चुका है, तो सैलरी में और इंसेंटिव में क्या इंटरेस्ट होगा। चलो अभी तो सरकार ने उस पर भी टैक्स डाला है तो अभी वो बातें नहीं होगी, पर फिर भी 51% डिविडेंड के रूप में प्रमोटर के पास तो गया 5,000 करोड़ इस साल का। राइट, अब यही वो खास चीज है जिसकी वजह से दोस्तों बायबैक आता है। हम आगे देखते हैं क्यों बायबैक और क्यों ऐसा हो रहा है। चलिए लेट अस मूव फर्दर। रिजल्ट हम लोगों ने चेक किए इनके, एक चीज दोस्तों तय है कंपनी का। मैंने आपको बताया कि भाई आप में से कई लोग बोलोगे अगर इतनी बढ़िया कंपनी है तो फिर शेयर क्यों नहीं बढ़ रहा है। अरे शेयर नहीं बढ़ सकता है, क्यों नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि कंपनी का धंधा बढ़ता जा रहा है, प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, पर उसके साथ ये सब कंसोलिडेटेड हुआ है। देखो कंपनी का सेल्स ग्रोथ हाई ग्रोथ नहीं है, 2 साल से तो धंधा ही नहीं बढ़ा है। अब ये प्रॉफिट कंसिस्टेंट मिल रहा है पर बढ़ नहीं रहा है, बढ़ रहा है प्रॉफिट बढ़ नहीं रहे, तो जो वैल्यूएशन है उतने के उतने है। उल्टा इन लोगों ने इतना कंसोलिडेशन किया, सब कंपनी मिला दी कि हमारे सब शेयर होल्डर बढ़ गए। अब खाने वाले तो उतने ही लोग हैं, आपके पार्टनर बढ़ गए, तो इसकी वजह से आपकी बुक वैल्यू पे इफेक्ट आती है। अगर हम शेयर को भागता हुआ देखना चाहे तो अब अगर कोई कंसोलिडेशन नहीं होता और ये 10,000 करोड़ का प्रॉफिट 20,000 करोड़ पहुंचता तो वेदांता जरूर डबल या अपनी रेंज को क्रॉस करती। फिलहाल ऐसा नहीं है तो शेयर भी इनका रेंज बाउंड ही है। हाई कंसिस्टेंट कंपनी है, कंसिस्टेंट कंपनी ने बरसों से प्रॉफिट किया है तो निवेशकों को कंसिस्टेंट डिविडेंड भी मिलने वाला है। यस मानूंगा ग्रोथ नहीं है। अब ये लोग दोस्तों बायबैक ऑफर करके आए। अब मैं आता हूं टॉपिक पे, बायबैक। बायबैक यानी क्या दोस्तों, बायबैक यानी कंपनी ने आपको ऑफर दी कि भाई जो आपके पास शेयर है मेरे को वापस दे दो। देखो बरसों पहले यही लोग आए थे कि भाई चलो मुझे पैसे चाहिए, पैसे दो मैं आपको पार्टनर बनाता हूं। लोग पार्टनर बने, पैसा दिया कंपनी को, आज कंपनी बढ़ चुकी है। अभी कंपनी को ऐसा लग रहा है कि मेरे पास सफिशिएंट पैसे है, जो पार्टनर पैसा लेके निकलना चाहे वो निकल सकते हैं। अब कितना पैसा और उससे क्या फायदा नुकसान हो सकता है उस पर हम लोग आते हैं।
उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि कंपनी के प्रमोटरों के पास कितने शेयर है। दोस्तों प्रमोटरों के पास मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कितना इक्विटी है, 392 करोड़ किधर गया, पेड अप इक्विटी 372 करोड़ का इक्विटी, एक एक रुपए का फेस वैल्यू। तो एक चीज तो क्लियर है, करीबन 372 करोड़ शेयर्स है कंपनी में, कितने हैं 372 करोड़ शेयर्स। दोस्तों 176 करोड़ शेयर प्रमोटरों के है, यानी आधा 51% स्टेक यहां पे प्रमोटरों का है, 169 करोड़ स्टेक पब्लिक का है, 6.5 करोड़ कुछ एडीएस में है, अमेरिकन डिपोजिटरी पे भी, ये वहां पे भी तो लिस्टेड है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे, राइट, तो वहां पे भी ये लोग लिस्टेड है। अब इस प्रकार से कंपनी के शेयर होल्डर बटे हुए। अभी जस्ट सोचो ये लोग ऑफर लेके आए हैं 8750 में मेरे शेयर खरीदो, अरे सॉरी शेयर बाबा मेरे को वापस दे दो। सोचो इससे क्या फायदा क्या नुकसान हो सकता है। आप एक शेयर होल्डर हो, आपका शेयर का कीमत 80 चल रहा है, इन्होंने 10% पे आपको बोला कि चलो 10% ज्यादा पैसा लो पर मेरे को शेयर वापस दो। सोचो आपको 19 रुपया मिल रहा है एक शेयर पे अभी, अरे 19 तो डिविडेंड भी मिल रहा है, राइट, अब 19 रुपया आप कमा रहे हो, 80 रुपीज शेयर का भाव है, ये 88 दे रहे, चलो 88 गिनो, 88 रुपए के शेयर पे अगर आप 19 रुपया कमा रहे हो तो कितना टका ब्याज हुआ, 21% दोस्त तुमको मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, फिक्स डिपॉजिट में कितना मिलता है, 6.25% मिल रहा है। तो ये वो टाइम है, ये भाव कोरोना की वजह से भयंकर गिरे है, जिसकी वजह से आपकी यील्ड जबरदस्त मस्त हो गई है, 22% की आपकी यील्ड है। तो ये अगर आपको पता है तो क्या प्रमोटरों को नहीं पता है? प्रमोटर जानते हैं कि भाई मैं 50% तो मेरा स्टेक है और मैं हर बार डिविडेंड तो पूरा मस्त बांट देता हूं, पिछले बार मैंने 10,000 करोड़ में से पूरा 10,000 करोड़ बांट दिया, मेरे भाग में मेरे हिस्से में 5,000 करोड़ आया, अगर मेरा 100% स्टेक होता तो पूरे के पूरे 10,000 करोड़ मेरी जेब में जाते। तो इन्होंने आपको ऑफर दी, एक काम करो 10% ज्यादा लो पर मेरे शेयर मेरे को वापस दे दो। इस साल भी ये लोग, इस साल इनके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल से कुछ 11,000-1,000 करोड़ का प्रॉफिट करने चाहिए। अब ये 11,000 करोड़ का प्रॉफिट करते हैं, मान लो आपके पास कोई शेयर नहीं है, 90% इन लोगों का स्टेक हो गया, तो सारे पैसे किधर जाएंगे, प्रमोटर की जेब में। अब इनको कितना टका है, इनको भी तो 21% में इंटरेस्ट है, या आपको 88 पे ऑफर कर रहे हैं 19 रुपया कमाने वाली कंपनी, राइट, तो इनको क्या फर्क पड़ता है। बैंक लोन भले 60,000 करोड़ की अपने सर पे है, और कुछ लोन कर देंगे, लोन की भी जरूर नहीं है, इनको कितने रुपए चाहिए वो गिनो। ये तुमको 80 रुपये में ऑफर कर रहे हैं, 169 करोड़ बाजार में है, ये 6.5 करोड़ भी नहीं गिनने, अभी अमेरिका में लिस्टेड है, इंडिया के गिनो, 169 करोड़ मल्टीप्लाई बाय ऑफर हुई अपने पे 88। दोस्तों इनको 15,000 करोड़ चाहिए। अब 15,000 करोड़ ऐसी कंपनी के लिए कोई ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ी रकम है, ये 15,000 करोड़ प्रमोटर खुद निकाल सकता है, इतने पैसे इनके पास है, हर साल 5,000 करोड़ ले जाते हैं, खुद का नेटवर्क होगा कि नहीं, खुद का नेटवर्क छोड़ो, कंपनी के रिजर्व में ऑलरेडी 60,000 करोड़ पड़े, दे कैन यूज। लोन लेते हैं 10% की लोन, मिलने कितने वाला है 21%। यार कोई भी सामान्य ज्ञान वाला व्यक्ति, धंधे वाला व्यक्ति तो ये समझ सकता है, तो इन्होंने तो ऑफर दे दी। अभी आपके ऊपर है, ये ऑफर को ले या ना ले आप मना कर सकते हो, जबरदस्ती नहीं हो सकती है यहां पे, राइट। अब मान लो बाकी के सारे लोग ऑफर ले लेते हैं, आप अकेले नहीं लेते हो, तो क्या होगा, मैं इस पर भी बात करता हूं फ्रेंड। खास चीज, कंसिडरिंग एंड अप्रूव द डीलिस्टिंग प्रपोजल। अभी ये लोग, इन्होंने तो अपना इच्छा जाहिर किया है, जरूरी नहीं है बायबैक हो जाएगा, अभी ये लोग डीलिस्टिंग का प्रपोजल रेगुलेशंस के सामने रख के उसके पूरा प्रोसेस करेंगे, और सेबी में कोई विघ्न ना आए, बीएससी एनएससी में कोई विघ्न ना आए, उसका प्रोसेस करेंगे, उसके साथ ही ये आप लोगों को ऑफर लेटर भेजेंगे, और आपका एग्रीमेंट ये लोग चाहेंगे कि यस आपको कोई दिक्कत नहीं है, राइट। देखो मेजर स्टेक होल्डर अगर एग्री हो जाते हैं तो ये बायबैक होगा ही,
एग्री हो जाने के बाद भी 90% हिस्सा इनके पास आ जाना चाहिए, मिनिमम 90%। अगर 90% नहीं आया तो डिलिस्ट नहीं होता है, राइट। टू टेक ऑल सच अदर एक्शंस, तीसरा ये काम करेंगे, बाकी सारे एक्शंस लेंगे जिससे ये डिलिस्टिंग की प्रोसेस को कंप्लीट कर सके, करेक्ट। अब होता क्या है, मान लीजिए कि हम सब ने मिलके, मेरे पास तो देखो ये शेयर नहीं है, पर आप में से जो लोगों ने इसका कमेंट लिखा हुआ था कि मैंने अभी 500 खरीदे, मैंने अभी 100 खरीदे, कोई बात नहीं भाई, मान लो आपने इसको बायबैक में दे दिया, 88 रुपीज में खुश हो गए, आपने 21% वाली चीज दे दी, चलो तो भी खुश हो जाओ, आपने ये चीज दे दी, राइट। फिर आपका कोई हक नहीं रहेगा ये कंपनी पे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाकी बहुत अपॉर्चुनिटी है, आप वहां पे लाभ ले सकते हो, इट्स ऑल राइट। ये अकेली एक लौती कंपनी नहीं है इंडिया में, ग्रोइंग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, वहां पे ग्रोथ अच्छे मिलेंगे। मान लीजिए कि आप ये बोलते हो कि मेरे को खरीदना है शेयर, डीलिस दे कर रहे हो ना तुम, मुझे तो उल्टा चलना है, पूरी दुनिया देने को आएगी, मैं लेने को आऊंगा, ले सकते हैं। मान लीजिए आपने इसको खरीदा महंगे भाव पे, 88 पे खरीदा, अब क्या, आपने अगर 88 पे खरीदा है, आपको ये 20 रुपए की अर्निंग इस साल की होगी। देखो अनिल अग्रवाल जी की काबिलियत पे मेरे को तो कोई शक नहीं है, जबरदस्त सक्सेस इनकी हिस्ट्री ने बताया है। हाँ एक चीज है, ये बार बार कॉरपोरेट एक्शंस करके पिछले 10 साल में मैंने देखा इतनी बार इन्होंने अलग अलग कंसोलिडेशंस किए हैं, चलो इससे कंपनी का लाभ हुआ है, एज अ स्टेक होल्डर मेरे को कोई ज्यादा, मैंने ऐसा नहीं देखा है कि इससे मेरा मुनाफा जबरदस्त बढ़ा हो, पर हाँ कॉरपोरेट एक्शंस की वजह से कंपनी ने अपने लिए बढ़िया काम कर लिए है और कंपनी टिकी रही निफ्टी 50 में, बराबर। अभी अगर ये नहीं किया तो आने वाले समय में वेदांता निकल भी सकती है निफ्टी 50 से, बिकॉज दे आर नॉट ग्रोइंग, और ग्रोइंग बहुत सी कंपनी है जो 20-20% से बढ़ रही है, ये आज नहीं तो कल वेदांता को टक्कर मार के आगे निकलने वाली थी, तो इनको ये करना भी जरूरी है, राइट। जैसे इन्होंने पास्ट में किया है, जो इनकी कंपनियां निकलने वाली थी निफ्टी से, इन्होंने कंसोलिडेट कर दिया। अगर आप ये शेयर ले लेते हो तो आप बेच नहीं सकोगे, ये बात एकदम क्लियर रखनी पड़ेगी। देखो मैंने पास्ट में भी कई कंपनियां देखी है जो डिलिस्ट हुई है, पर कुछ इन्वेस्टर उसे खरीदते हैं, प्रमोटर हैरान हो जाते हैं, यार मैं एक तो बायबैक दे रहा हूं, तुम क्यों लेने आ रहे हो। निर्मा हमारे गुजरात की कंपनी, बढ़िया ग्रोइंग कंपनी थी, वो जीरो टू हीरो वाली कंपनी, कंपनी लिस्टेड थी, निर्मा ने बायबैक किया, देखो अभी भी निर्मा बढ़िया कमा रही है। अब जो लोगों के पास निर्मा के शेयर होंगे उनको डिविडेंड तो मिलता ही होगा, यानी वो करसन भाई जो कंपनी के चेयरमैन है उनके बगल में वो भी अपनी चेयर लेके बैठ गए कि सब भाई तुम जब डिविडेंड दो मेरे को भी देना पड़ेगा, हाई डिविडेंड यील्ड हो सकती है, राइट। तो अभी आप और वो पार्टनर बचे अभी खाली, बाकी तो दुनिया में कोई है नहीं, वो आपको ऑफर भी करते जाएंगे बार बार, ये भी हो सकता है, ना भी करें ये भी हो सकता है। जो आप में से ट्रेडर लोग हैं जो ये बोलते हैं कि शेयर बाजार चोर बाजार, कोई भरोसा नहीं, उन लोगों को तो ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। ट्रेडर को कभी माल नहीं बेच सकेंगे, यानी वो एक बार अंदर उन्होंने ले लिया तो वो जिंदगी भर के लिए फंसे बोलूंगा, क्योंकि वो जो ट्रेडिंग ब्रेडिंग करते हैं, वो जो रोज भाव देख के खुश होते हैं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, राइट। ट्रेडर लोग दूर रहे, ट्रेडर लोग दे के भागे यहां से, क्योंकि उनके काम की ये चीज नहीं है। जो निवेशक है, ये मेरी निजी राय रहेगी, वो निवेशक रहेंगे, नुकसान नहीं है, यस वो बेच नहीं पाएंगे, लाख रुपया डाल दिया, वो लाख रुपया फिर गया, उस पर आपको साल का जो कंपनी कमाएगी उस पर डिविडेंड विविडेंड मिलता रहने वाला है, पर आप उसको अपनी इच्छा से बेच नहीं पाओगे, जब कंपनी की इच्छा होगी आपको अगेन ऑफर करेगी तब आप इसे बेच पाओगे, राइट। तो नेगेटिव पॉइंट ध्यान में रखे, जिनके पास ऐसा पैसा नहीं है जो बाजू में रख सकते वो तो इसको देखे ही नहीं, राइट। बाकी अभी आप चाहो बायबैक में दे दो, काम खत्म, राइट। तो ये था दोस्तों हमारी राय, जनरली राय यही होती है कि बायबैक आता है, कंपनी डिलिस्ट होने वाली होती है, तो 90% शेयर होल्डर यही सोचते हैं कि दे दो क्योंकि अब तो डिलिस्ट हो जाएगी, फिर हम क्या करेंगे, इसको अलग नजरिए से भी आप देख सकते हो, राइट। लेकिन मेरी बात पे नहीं जाना, डिस्क्लोजर बता दूं, आप अपना डिसीशन अपने हिसाब से शांति से बैठ के करना, अभी तो आपके पास महीने का टाइम है, फिर सोच के बायबैक करना नहीं करना डिसीजन लेना, राइट फ्रेंड्स।
थैंक यू सो मच। आशा रखता हूं मैं कुछ बात आपके सामने क्लियर कर सका होऊंगा। दोस्तों इस साल की शुरुआत में आपको इवेंट बता दूं, दिल्ली और चंडीगढ़, हमने आज तक चंडीगढ़ के निवेश के लिए आज तक कभी भी कोई इवेंट नहीं किया है। पहली बार हम लोग 14 जून चंडीगढ़ और दिल्ली के लिए कंबाइन इवेंट करने वाले हैं। दोस्तों हम लोग हर साल, जैसे दिल्ली में ये चौथी बार हम लोग फाइव स्टेप टूवर्ड वेल्थ का एक प्रोग्राम करेंगे, जिसमें करंटली जो भी इंडस्ट्रीज ग्रोइंग है, क्वालिटी कंपनी, स्ट्रेटेजीज, पुराने निवेशकों के बाद, ये सारी चीज करेंगे। दोस्तों ये जो इवेंट है ये पूरे भारत में हम लोग हर साल एक फ्री इवेंट, 3 घंटे का इवेंट हम सारे निवेशकों के लिए पूरे भारत में हर साल करते हैं। तो ऐसा नहीं एक बार किया फिर नहीं, चंडीगढ़ पहली बार आ रहे मतलब ये बात तय है हर साल आना है, राइट। तो शुरुआत हुई है चंडीगढ़ दिल्ली से 12 महीने में। मेरा प्लान है हम इस बार 43 सिटीज में इवेंट करने वाले हैं, सो गेट रेडी फ्रेंड्स। पिछले साल का टारगेट मेरा 17 सिटी में इवेंट करने का था, 17 सिटी के निवेशकों के साथ स्ट्रेटेजी शेयर करने का था। हम फेल रहे, हम 17 सिटी नहीं खाली 14 सिटी जा सके।